अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फहद और आज की जो नेक्स्ट वीडियो वो है किंग्स स्कॉलरशिप्स एंड एचएम द क्वींस स्कॉलरशिप्स। अब ये दो कंबाइन ऑर्गेनाइजेशन के स्कॉलरशिप्स हैं आपके लिए और इसमें मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊंगा कि बेसिकली ये स्कॉलरशिप्स किस कंट्री ने ऑफर किए हैं और किस कंट्री की ये यूनिवर्सिटी है जो स्कॉलरशिप्स ऑफर प्रोवाइड कर रही है और इस स्कॉलरशिप में क्या डिटेल्स हैं, यानी इसका जो बेनिफिट है, यानी इसमें जो आपके लिए सर्विसेज हैं वो क्या इंक्लूड हैं, वो उस के बारे में हम डिटेल से थोड़ी बात करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड टू किंग स्कॉलरशिप्स एंड एचएम द क्वीन स्कॉलरशिप्स। इसमें सबसे पहले आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है, एचएम द क्वीन द किंग स्कॉलरशिप एंड एचएम द क्वीन स्कॉलरशिप्स। इसका जो लिंक है, जो बार का लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इस पेज पे इजीली प्रोसीड कर सकें। तो ये जो स्कॉलरशिप्स है, एच एम द किंग स्कॉलरशिप एंड एच एम द क्वीन स्कॉलरशिप्स जी, तो इसमें बेसिकली ये स्कॉलरशिप्स जो है ये एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है और इसमें ये मास्टर लेवल का स्कॉलरशिप्स है और ये बेसिकली रॉयल थाई गवर्नमेंट की तरफ से है, यानी थाईलैंड में ये स्कॉलरशिप्स हैं आपके लिए। और इसमें स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल है कि उनको जो है थाईलैंड में उनको एक अच्छी क्वालिफिकेशन प्रोवाइड की जा सकती है और अदर एशियन कंट्रीज़ में। तो इस स्कॉलरशिप से उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और दे जस्ट वॉन्ट टू ग्रूम themselves with the professionalism and specialization in their field। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हिज मजिस्ट्री द किंग स्कॉलरशिप्स, दिस स्कॉलरशिप इज ग्रांटेड टू क्वालिफाइड कैंडिडेट विद एक्सीलेंट अंडर ग्रेजुएट अचीवमेंट फ्रॉम एनी एशियन कंट्री टू परस्यू अ मास्टर डिग्री इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन ऑफर्ड एट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। सो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के लिए है और उसके अलावा जो मजिस्ट्री क्वीन स्कॉलरशिप्स है वो बेसिकली ये जो अंडर ग्रेजुएट अचीव कर चुके हैं अपनी डिग्री उनके लिए इन्वायरमेंटल रिलेटेड डिग्री है, मेन स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में है। सो ये इन दो कोर्सेज के लिए ये स्कॉलरशिप्स है जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। एलिजिबिलिटी इसका कुछ इस तरह है कि एप्लीकेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया विच इंक्लूड द नेशनल एंड इंटरनेशनल इन एशियन रीजन ग्रेजुएट इन रिलेटेड फील्ड फ्रॉम एग्रीगेटेड इंस्टीट्यूशन। For example, if you want to apply for engineering program, so you must be eligible for School of Engineering and Technology. Have a high proficiency of English as required by AIIT. Applicants in Thailand can also take AIIT English test administered by AIIT Language Center. So AIIT Language Center भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और उसका गुड एजुकेशन रिकॉर्ड होना चाहिए जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री वो कर चुका है। From universities KO's ranking with 1000 better with CGPA of 3.0 and from other universities with a CGPA of 3.5 or above. अब यहाँ पर कुछ ये कंडीशन ये मेंशन कर रहे हैं कि अगर आपकी कंट्री की यूनिवर्सिटी जो है वो QS रैंकिंग में आती है तो फिर आपका 3.0 CGPA acceptable है, इफ़ नॉट देन यू हैव मस्ट obtain 3.5 CGPA or above. यानी आपने अपने यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो QS रैंकिंग से चेक कर लेना है, अगर आपका 3.5 से अबव CGPA है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हर स्कॉलरशिप अब यहाँ पर कुछ इस तरह लिखा है, ईच स्कॉलरशिप अवार्ड कवर ट्यूशन फी एकोमोडेशन बर्सरी फॉर लिविंग एक्सपेंसेस इन AIIT रेजिडेंशियल कैंपस फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ 22 मंथ्स मास्टर डिग्री प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 साल के लिए वहाँ पर पढ़ना है तो उसके लिए आपका ट्यूशन फी एकोमोडेशन बर्सरी for living expenses if you have nominated applicants with a commitment for the nominees will be considered more favorable. Ab yahan pe nomination from the department heads and faculty advisor jo students nominate isme hote hain, theek hai, yani jab aap apply karenge to prospective candidates are invited by filling up the nomination form, yani aap nomination form jo hai usko fill karenge aur send kar denge aap rtg@aiit.ac.th contact with miss Vilailak or Kanchana. So ye kuch numbers bhi mention hai. So aapne isme apply kis tarah karna hai, deadline iski yahan par mention hai. Apply karne ka simple procedure hai, very simple. यू जस्ट डाउनलोड द नॉमिनेशन फॉर्म, यानी आपने नॉमिनेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और इसको डाउनलोड करने के बाद इस ईमेल पे सेंड कर देना है। जब हम नॉमिनेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ा क्लियर कट मेंशन है कि आपने ये देखें जी
अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए लैंग्वेज सेंटर है इनका, और इसमें कुछ इसको आप स्टडी कर लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इनकी इंक्लूड हैं जो इस लिहाज से हैं। तो ये एक अच्छा स्कॉलरशिप है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी अच्छा है, और MBA स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा एक स्कॉलरशिप है। तो ये इनका नॉमिनेशन फॉर्म है जी, आप इसको फिलअप करें, फिलअप करने के बाद आपने इस मेल पर सेंड कर देना है, और ताकि आप सेलेक्ट हो जाए। एक अच्छा सा फॉर्म फिल करें और अपना बिल्कुल पॉजिटिव रिकमेंडेशन इसमें साइन करें, ताकि आपको थाईलैंड में अपॉर्चुनिटी मिले स्कॉलरशिप्स के लिए। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और इसके अलावा और भी काफ़ी ऐसी वीडियोस हैं जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। किंग स्कॉलरशिप्स एंड एच एम द क्वींस स्कॉलरशिप्स, और दिस स्कॉलरशिप इज़ बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, इनके लिए बेस्ट है। तो कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई कोई भी कमेंट आप प्लेस कर सकते हैं वीडियो की बिलो पे। इस स्कॉलरशिप का लिंक मैं ज़रूर आपकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इस वीडियो की, ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। और इसके अलावा प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब इंटायर एजुकेशन फॉर मोर वीडियोज़ एंड मोर अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।